सकते हो। छोटा बेबी एक ही हुआ, छोटा बेबी, छोटा बेबी। चले कीवी डॉक्टर के, चल ले कीवी अपने। हेलो खमागणी साहब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। तो पिछले दो दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही और इसीलिए आज मैं सुबह 9:30 बजे उठी हूं। मैं बहुत लेट उठी हूं क्योंकि क्यू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ उसे खांसी जुकाम बुखार सब कुछ हो गया और इसी वजह से पिछले दो दिन से रात को बार बार उठ के उसे चेक करना पड़ता है और इसी वजह से मैं लेट उठी हूं। और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी थी जैसे ही मैंने मिरर में देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना चलो सबसे पहले अपना स्किन केयर रूटीन जो है वही फॉलो कर लेती हूँ ताकि स्किन थोड़ी अच्छी हो जाएगी और मुझे थोड़ा जो आलस सा फील हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है पिछले कई महीनों से मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना बॉक्स निकाला, अपना मैजिक बॉक्स निकाला और फिर मैंने शुरू किया और बिग बॉस की तरह मैंने डांस करना शुरू किया जैसे बिग बॉस में सब लोग उठते हैं ना। बहुत समय से मैं आप सबको कहती आ रही हूँ कि मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर के लिए और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यार आप हर किसी की बात पे भरोसा नहीं करोगे लेकिन जब कोई आपको डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट अगर आपको बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए बेस्ट हैं और ये सिर्फ आपके लिए कस्टमाइज किए गए हैं तब तो आप बिलीव करोगे ना। तो जी हाँ, जो क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स हैं वो डॉक्टर यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा ही बनाए गए हैं और इसीलिए मैं इन पर भरोसा करती हूँ। क्योर स्किन के ऐप को डाउनलोड करना है आपको सिंपली, उसके बाद जो सिंपल इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको देना है और साथ ही कुछ फोटोज के जरिए वो आपके स्किन की जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको पिगमेंटेशन है, एक्ने है या कोई और प्रॉब्लम है या फिर आपके स्किन जो है सन से डैमेज हो गई है, जो भी चीजें इस तरह की वो सब आपके फोटोज के जरिए वो समझते हैं। साथ ही जो भी क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं उनके आंसर जब आप दोगे वो उसके जरिए समझते हैं और उसके बाद आपके स्किन के लिए खासतौर पर आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज होते हैं और आपको एक हेल्दी कहूंगी स्किन केयर के लिए किट मिल जाता है क्योर स्किन का जो कि बहुत ही अच्छा है। फेस वॉश मैंने यूज कर लिया, इसका फॉर्मिंग फेस वॉश है जो कि बहुत ही अच्छा है, मेरी स्किन को अच्छे से डर्ट से क्लीन कर देता है, अच्छे से ऑयल जो है वो क्लीन कर देता है। और उसके बाद में मैं यूज करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इसका बहुत बेस्ट है। बहुत बार मिथ होता है हमें हमारी स्किन को लेकर कि अगर ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सेंसिटिव हो, भले ड्राई हो, भले ऑयली हो, तीनों ही सिचुएशन में आपको अपने चेहरे के लिए मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए। तो क्योर स्किन का ये मॉइस्चराइजर मैं अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत ही शानदार मॉइस्चराइजर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्योर स्किन के जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था कि रिजल्ट नहीं आ रहा है लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि 4 वीक तक आप वेट करो और देखो अपनी स्किन को बदलते हुए, अपनी स्किन को ग्लो होते हुए देखो। जैसे आप मेरी स्किन में बदलाव देख रहे हो, पोस्टमार्टम में बहुत सारी चीज़ें मुझे भी फेस करनी पड़ी थी अपनी स्किन को लेकर, लेकिन क्योर स्किन ने मेरी वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया है। और ये खासतौर पर क्योर स्किन का जो सनस्क्रीन है मैं वो आपको जरूर रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये बहुत ही शानदार है, सन से आपको डैमेज करने से बचाता है। भले ही आप घर पे हो या बाहर हो लेकिन डे में आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि सन से भी डैमेज होती है स्किन, प्लस हमारी जो घर में लाइट्स होती है उससे भी हमारी स्किन डैमेज होती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपनी स्किन पर जो है सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप इसे डाउनलोड करके और अपने लिए क्योर स्किन के प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो ज्योति100। और अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में दे दूंगी, वहां से आप इजी वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं और घर मंगवा सकते हैं अपने लिए प्रोडक्ट। तो आज है दशहरा और हम लोग जा रहे हैं रावण दहन देखने के लिए। मैं बस ऑफिस आके जस्ट अभी तैयार हुई हूँ। क्यू अपना चप्पल लेके घूम रही है ऐसे हाथ में और बस बिना देर के चलते हैं क्योंकि मम्मी पापा ऑलरेडी जा चुके हैं। हुकुम हमारे बहुत जल्दबाजी में ताला वाला लगा रहे हैं। मैं सही बता रही हूँ, 2 मिनट वाला तैयार हुई हूँ मैं। क्यों चलो 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 इससे पहले कि पापा डांटे आपके। नहीं चाहिए जाती हूँ बेटा, हुकुम परफ्यूम बहुत ज्यादा लगा लिया आपने, मुझे वैसे ही एलर्जी है। कहाँ जा रहे कीवा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे? रावण देखने? क्या देखने जा रहे हो? रावण देखने जा रहे हैं बेटा। इतनी सी बात के लिए नहीं रोना है, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। क्यों तो अपने पापा के जाते ही रोने लग जाती है, आ रहे हैं। क्यों को लग रहा है कि आप हमें छोड़ के चले गए हो, जो रोने ही लग गई। अच्छा मैं बिट्टा आओ
नकल कर रहे हो कि आप मेरी क्या लिया है, क्या लिया है? ने ले लिया बैलून। तो क्यू ने बैलून ले लिया है। अब क्यू और हुकुम दोनों ही गायब नहीं होंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी मेले में। क्योंकि इनके पास बैलून है तो मैं आराम से पहचान लूंगी। और हम लोग मम्मी पापा हुकुम को भी ढूंढ रहे थे। मैं बार बार फोन भी कर रही थी कि पापा हुकुम कहीं मिल जाओ, लेकिन ना तो अच्छे से वहाँ पे नेटवर्क था, आवाज़ भी नहीं आ रही थी और इतनी भीड़ में पापा मम्मी कहीं मिल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन हाँ, क्यों, क्योंकि बार बार दादू दादू कर रही थी तो मैं हुकुम को बोल रही थी कि यार ढूंढो, थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने कहा आगे ज़रूर मिल जाएंगे। और ये रावण देखो, रावण बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था और इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ, गजब की भीड़ थी। मतलब ना रावण दहन देखने के लिए कोटा में, वैसे आपको पता है कि फेमस है दशहरा मेला, कितना फेमस है और क्या माहौल रहता है कोटा में। रावण बैलून बोरा फाइनली मम्मी और पापा को मम्मी मिल गए थे और क्यू को कंपनी में मिल गई थी। एक और बेबी मिल गया था जिसके हाथ में बैलून था, तो क्यू भी उसके साथ खेल रही थी। बहुत देर हो गई, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी तक भी नहीं चला रहे हैं। क्यू को एक बार अगर उसके दाता दिख जाते हैं तो फिर दाता के अलावा क्यू को कोई नहीं चाहिए। क्यू पूरे टाइम अपने दाता हुकुम के पास में थी। और क्यू का जो ये बैलून था, इसका जो धागा था, वो मेरे चूड़े में पता नहीं कैसे राखी में फंस गया था। और मुझे पता था कि अगर मैंने एक बार भी इसको तोड़ दिया तो क्यू भी इसे भूल जाएगी, उड़ जाएगा, तो मैं उसे तोड़ भी नहीं रही थी। और मैं सच बताऊं तो बाहर भीड़ में मैं क्यू को ले जाना अवॉइड ही करती हूं। लेकिन जैसे पापा को बोलते भी हैं कि फेस्टिवल वगैरह पे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को दिखानी ही चाहिए, तो इसलिए हम लोग रावण दहन दिखाने के लिए क्यू को ले आए थे। रावण कब चलेगा समझ ही नहीं आ रही मुझे, कहानी आप बोलना। एक तो जल गया, एक तो जल गया, रावण तो बहुत है वैसे। नहीं पर अभी तो भाई गया है।
जिसका सबको इंतजार था, बहुत देर से सब लोग रावण को घूर घूर के देख रहे थे, तो फाइनली रावण दहन हो गया है। और मैं सच बता रही हूँ, रावण से भी कई ज्यादा रावण हमारे आसपास इस दुनिया में कलयुग में हैं, लेकिन ये एक त्योहार है जिसे हम मनाते हैं और रावण दहन करते हैं। लेकिन सच बात ये भी है कि रावण से कई ज्यादा पापी लोग आज की दुनिया में कलयुग में हैं। तो चलिए, रावण दहन हो गया, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व जो हम मनाते हैं उसको हमने मनाया और अब हम घर जाएंगे। बहुत मजा आया बाहर आकर, मेले में आकर और क्यू के साथ आपको। तो फिलहाल आज मंडे हो गया है और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे इतना खांसी जुकाम हो रखा है और मेरे साथ साथ क्यू की तबीयत भी ख़राब हो गई है। पता नहीं कैसे यार, मतलब पहले वैक्सीन लगी, 3 दिन तक उसको वो वैक्सीन वाला बुखार रहा, तब तक तो ठीक था, बीच में एक दिन ठीक रही और उसके बाद में तो खांसी और जुकाम एक्सट्रीम हो गया, मतलब इतना कि अब ठीक ही नहीं हो रहा। मतलब जो दवाइयाँ मेरे पास हैं और जो मैं देती हूँ उसको, उससे तो अब ठीक हो नहीं रहा है। मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो अभी मैंने उसकी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिए और बस अब डॉक्टर के पास जाएंगे और क्यू को दिखा के लाऊंगी, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है ना। हाँ मम्मा, देख लो ना मां, प्रेस अगर ठीक होती है तो रख लो आप, आपको ठीक करानी थी ना, पर तो कपड़ा पकड़ रह दो, दे दो ना, जो दे दो। दिवाली का टाइम है तो घर में चल रही है साफ सफाइयाँ, हमारे मामा भी कबाड़ निकाल रहे हैं घर से कि ये भी दे देती हूँ, ये भी दे देती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। ये भी बात हो रही है कि जिस भी कमरे में थोड़ा बहुत सीलन लग रही है उसमें कलर पेंट भी करवा लेते हैं अगर जमता है तो ना, मतलब वही सब चीज़ें, क्योंकि बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि थोड़ा बहुत तो घर पर टचअप करा ही लेते हैं, थोड़ा बहुत तो कलर करा ही लेते हैं जहाँ जहाँ लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, तो बस यही सब चल रहा है। पर आज मैंने फिर छुट्टी ले ली क्यू के लिए, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था उसको छोड़ के जाने का, वो इतना ऐसे हो रही थी मम्मा 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 कि मैंने सोचा चलो यार छोड़ो, मैंने कहा ऑफिस जाना ही नहीं है मुझे, तो बस अब उसे डॉक्टर के लेके जाऊंगी। चले कीवी डॉक्टर के, चल ले कीवी। आपने मम्मा का नया बैग देखा? मम्मा के नए बैग पे क्या बना है ये? क्या बना है? पता नहीं क्या बोल रही है, क्या बना है बिट्टू? चलो बस क्योंकि दादी से आते ही होंगे फिर जाते हैं हम, है ना, चलते हैं। चलो कीवा, कीवी खड़ी हो जाओ, बस खड़े हो जाओ, कीवी मजा आ रहा है। अब उस पे हाइट चेक करो कीवी अपनी, नहीं करेगी वो, बैठ जाओ मम्मा, ये टूटती नहीं है चेयर, छोटी वाली पे बैठ जाओ भली, ये पे इस पे मम्मा बैठ गई, यालो छोटे बच्चों की चेयर पे बैठ गई मम्मा की भी। मम पीना है? तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि घर पर कलर हो रहा है, पेंट हो रहा है और यहाँ पर क्योर स्किन के ये प्रोडक्ट जो हैं आप भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। सिंपल आपको क्योर स्किन की ऐप डाउनलोड करनी है, मेरा कूपन कोड Jyoti100 यूज़ करना है और जिससे आपको सीधा 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आप भी क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना लेंगे। टेक केयर, बाय बाय, खमा गणेश, सबको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।